हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स इन आरआर इंग्लिश क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास ट्वेल्थ के लिए लेकर आए हैं पनोरमा बुक का चैप्टर ट्रबल इन बोहेमिया, जो कि सिक्स्थ नंबर का चैप्टर है। इसमें जो ट्रबल इन बोहेमिया है, ये पूरा ही चैप्टर जो है वो एक घटना पर आधारित है। यानी कि ट्रबल का मतलब होता है कष्ट, और बोहेमिया एक जगह का नाम है। यानी बोहेमिया में कोई कष्ट आ गया था। अब वो कष्ट कैसे आया था, तो इस बात को जानने के लिए आज हम इसकी समरी बताने आपको जा रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले, समरी बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इसके जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो कौन कौन हैं इस स्टोरी के। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसके जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनमें सबसे पहला जो मेन इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है वो है किंग ऑफ बोहेमिया, यानी बोहेमिया जो जगह थी उसका राजा। और दूसरा जो मेन कैरेक्टर है वो है आयरन एडलर। आयरन एडलर एक बहुत ही ब्यूटीफुल गर्ल थी, जो कि एक अमेरिकन एक्ट्रेस थी। हम इसको लिख सकते हैं एन अमेरिकन एक्ट्रेस। यह एक अमेरिकन एक्ट्रेस थी, शेरलॉक होम्स जो था वो फ्रेंड था किसका, बोहेमिया के राजा का। और जो वॉटसन था वो होम्स का एक बहुत ही अच्छा दोस्त था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये मेन कैरेक्टर जो हैं, इसके फोर कैरेक्टर्स हैं, और कैरेक्टर हमने आपको बता दिए हैं। अब चलते हैं इसकी कुछ हार्ड मीनिंग की तरफ, जो इस चैप्टर में आपके सामने आई है। देखिए, एक जो मेन मीनिंग है इसकी वो है सेंटिमेंटल। इसका अर्थ होता है भावुक हो जाना, यानी कि जब कोई व्यक्ति भावुक हो जाता है और वो रोने लगता है तो उसको कहते हैं सेंटिमेंटल हो जाना। दूसरा है प्रिटेंड। प्रिटेंड का मतलब होता है बहाना बनाना। फिर तीसरा है मास्क। मास्क का मतलब होता है मुखौटा, यानी कि मुंह का वास्तविक रूप छुपाने के लिए जब ऊपर से मुखौटा पहना जाता है तो वो मास्क होता है। रिकॉग्नाइज्ड का अर्थ होता है, देखो रिकॉग्नाइज्ड का अर्थ होता है पहचानना, लेकिन इसमें ईडी लग गया है, इस वजह से ये बन गया रिकॉग्नाइज्ड, यानी पास्ट टेंस का हो गया, तो इसका अर्थ हो गया पहचाना गया या पहचान गया। डिस्गाइज का मतलब होता है वेश, तो डिस्गाइज का मतलब है वेश धारण किया। ऑनरेबल का मतलब होता है सम्माननीय, और फेंट का मतलब होता है बेहोश होना, और प्रोबेबली का मतलब होता है शायद। तो स्टूडेंट्स, अब हम शुरू करते हैं अपनी स्टोरी। होता क्या है कि जो बोहेमिया का राजा होता है वो किसी कष्ट में फंस जाता है। वो आता है किसके पास, शेरलॉक होम्स के पास, अपना कष्ट बताने के लिए और उसका सॉल्यूशन करने के लिए। तो जब राजा शेरलॉक होम्स के पास आता है तो वह उसे बताता है कि क्या होता है कि एक बार जो राजा था बोहेमिया का, वह वारसा जाता है, वारसा की विजिट पर जाता है। तो वहाँ पर वो एक अमेरिकन एक्ट्रेस से मिलता है, और उस अमेरिकन एक्ट्रेस का नाम होता है आयरन एडलर, जो वास्तव में खूबसूरती की एक बला थी, बहुत ही सुंदर लेडी थी। तो क्या होता है कि जो बोहेमिया का राजा होता है उसे उससे प्यार हो जाता है, और वह उसके लिए काफ़ी पत्र वगैरह भी लिखता है और उसके साथ कुछ फोटोग्राफ्स भी ले लेता है। लेकिन जब ये बात, प्यार की बात, उसके घर वालों को पता चलती है, यानी राजा के घर वालों को, तो वो इस शादी से इनकार कर देते हैं। अब वो इनकार क्यों करते हैं, क्योंकि जो आयरन एडलर थी वो बोहेमिया के राजा के स्टेटस की नहीं थी, यानी वो पारिवारिक दृष्टि से भी और किसी भी तरह से वो राजा के काबिल नहीं थी। तो राजा इस वजह से उससे शादी नहीं कर पाता है। लेकिन जो आयरन एडलर होती है वो उससे सच्चा प्यार करती थी और किसी भी कीमत पर राजा को नहीं खोना चाहती थी। होता यूँ है कि राजा की शादी किसी अन्य राजकुमारी से तय कर दी जाती है, और राजा भी उस राजकुमारी से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन अब जो आयरन एडलर होती है वो अभी भी राजा से ही प्यार करती थी, तो वो उसे ब्लैकमेल करती है कि अगर उसने दूसरी राजकुमारी से शादी की तो वह उसके साथ जो उसने फ़ोटो खिंचवाई है वो, और जो लेटर्स लिखे हैं उसने, उसको उस राजकुमारी को दिखा देगी। तो अब इस समस्या से निजात पाने के लिए जो बोहेमिया के राजा हैं वो अपने दोस्त शेरलॉक होम्स के पास जाते हैं। शेरलॉक होम्स के पास जाने के बाद राजा उनको अपनी सारी बात बताते हैं। शेरलॉक होम्स कहता है कोई बात नहीं, आपने जो पत्र और फोटो उनके साथ खिंचवाए उन पत्र और फोटो को हम चुरा लेंगे। तो राजा ने कहा ये इम्पॉसिबल है। तो जो वाट वो है शेरलॉक होम्स है, उन्होंने कहा इम्पॉसिबल क्यों है, हम उन्हें चुरा लेंगे। वो
कहने लगे कि हम उन्हें चुरा तो लेंगे, लेकिन लेटर्स जो हैं वो राजा के खुद के शाही पत्र पर लिखे गए हैं, यानी शाही कागज पर लिखे गए हैं, और दूसरी बात वो उसकी खुद की हैंडराइटिंग में लिखे गए हैं। और उन्होंने कहा कि जो फोटो हैं उनको हम चुरा लेंगे। तो उसने कहा फोटो चुरा तो लेंगे, लेकिन उनके पास एक ऐसा फोटो है जिसमें मेरी और उसकी फ़ोटो साथ साथ है, तो उन फोटो को हम चुराने के बाद भी उसके पास उसके कुछ चलचित्र बच जाएंगे तो हम क्या करेंगे। अब शेरलॉक होम्स जो हैं वो भी चक्कर में पड़ जाते हैं कि वास्तव में ये तो एक कठिन समस्या है। अब वो सोचते हैं कि क्या किया जाए। तो शेरलॉक होम्स क्या करते हैं कि एक बार तो वो कैब ड्राइवर का रूप धारण करते हैं, और कैब ड्राइवर का रूप धारण करते हुए वो कैब ड्राइवर का रूप इसलिए धारण करते हैं ताकि वो जो आयरन एडलर थी उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकें। तो कैब ड्राइवर का रूप धारण करने के बाद वो सोचते हैं कि अभी आयरन एडलर से एडलर के बारे में मुझे पूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। तो वो क्या करते हैं, एक दूसरा डिस्गाइज लेते हैं, यानी कि दूसरा रूप धारण करते हैं, और वो जो रूप होता है वो होता है एक प्रीस्ट का। होता यूँ है कि जो शेरलॉक होम्स होते हैं वो अपने दोस्त वाटसन को साथ लेकर एक प्रीस्ट के रूप में आयरन एडलर के घर उस समय घर के बाहर उस समय जाते हैं जब आयरन एडलर पार्क से घूमकर वापस आ रही होती है। तो प्रीस्ट जो होता है, मतलब जो शेरलॉक होम्स होते हैं, वो बिल्कुल पहले से ही वहाँ उपस्थित होते हैं, और जो उनका दोस्त होता है वाटसन उसे आयरन एडलर के घर के बाहर विंडो के पास खड़ा कर देते हैं और उसे सारी प्रक्रिया समझा देते हैं। अब आती है आयरन एडलर पार्क से घूमकर रोजाना की तरह। वो जैसे ही बाहर कदम रखती है तभी जो शेरलॉक होम्स जिसने कि प्रीस्ट का रूप धारण किया हुआ था वो अचानक बहुत बेहोश हो जाते हैं, और बेहोश हो जाने की वजह से वो वहीं पे गिर जाते हैं। वहीं जो आयरन एडलर है उनको बेहोश होता हुआ देख लेती है और लोगों से हेल्प मांगती है कि प्लीज़ इसे घर तक ले चलो। वह जैसे ही उसको घर तक ले जाती है तो अंदर जाकर लेटा देती है, और इतने में ही पहले से कहे अनुसार जो वाटसन है जो विंडो के पास खड़ा था वो दो तीन कागज में आग लगाकर उन्हें खिड़की से अंदर फेंक देता है। तभी आयरन एडलर चिल्लाती है आग आग आग, यानी आग लग गई आग लग गई। वह तुरंत दौड़कर अपने छुपाए हुए उन लेटर्स और फोटोग्राफ्स की तरफ जाती है, लेकिन वो वहीं जाकर रुक जाती है मगर उनको निकालती नहीं है क्योंकि आग जो थी वो मात्र दो तीन कागजों में लगी हुई थी। और वहां से जो शेरलॉक होम्स होते हैं वो इस प्रकार से घर वापस चले जाते हैं, लेकिन उन्हें ये तो पता चल ही जाता है कि उन्होंने पत्र और लेटर कहाँ छिपा के रखे हैं। नेक्स्ट डे वो वाटसन के वो राजा बोहेमिया के राजा के साथ वापस आयरन एडलर के घर जाते हैं और उन पत्र और फोटोग्राफ्स को ढूंढने के लिए जाते हैं, लेकिन होता यह है कि बाहर उन्हें लॉक लगा हुआ मिलता है और पता चलता है कि जो आयरन एडलर है वो वहाँ से जा चुकी है, क्योंकि आयरन एडलर की जो शादी थी वो एक एडवोकेट से हो गई थी जिससे कि वो बहुत प्यार करती थी और जिसके साथ वो अपना जीवन यापन अब करना चाहती थी। तो वो जाते हैं तो उन्हें लॉक लगा हुआ मिलता है, लेकिन वहीं पर उन्हें एक स्लिप भी मिलती है, और उस स्लिप में ये लिखा हुआ होता है बोहेमिया के राजा को संबोधित करते हुए कि राजा साहब, मैंने जो लेटर्स और फोटोग्राफ्स हैं वो जहाँ भी छिपा रखे थे मुझे पता है, आपको उसका पता चल गया था, और शेरलॉक होम्स ने जिस जिस रूप में यहाँ आकर प्रवेश किया वो सारा मुझे पता था, लेकिन अब मेरी शादी एक एडवोकेट से हो गई है जिसे मैं बहुत प्यार करती हूँ, और मैं अब यहाँ से ये जगह छोड़कर हमेशा के लिए जा रही हूँ, और इन लेटर्स का और फोटोग्राफ्स का मेरे लिए अब कोई उपयोग नहीं है, तो आप इनको वापस ले सकते हैं। और इस प्रकार से वह वहाँ से चली जाती है, और जो राजा है उसको वो लेटर्स और फोटोग्राफ्स वापस मिल जाते हैं। इस प्रकार से इस स्टोरी का एंड हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, मैं जहाँ तक सोचती हूँ आपको ये स्टोरी भी बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी, और स्टोरी के थ्रू शायद आपको इसमें जो भी चीज़ बताई गई है अब जो क्वेश्चन आंसर आएंगे वो भी आप आसानी से कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक्स।